अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। बेटा, ये ऑक्सी एसिड टॉपिक हमारे पास ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के दो ऑक्सी एसिड होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड। कितने किस्म के? टू टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड। एक बेटा होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता है HNO2। क्या होता है? HNO2। और एक होता है नाइट्रेट एसिड, ये होता है HNO3। दूसरा क्या होता है? HNO3। एक कौन सा होता है? HNO2। दूसरा क्या होता है? HNO3। ठीक है, सबसे आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन सा? HNO2। और कल के लेक्चर में हम HNO3 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये सारे रिएक्शन है, इसको आपने अच्छी तरह लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ये याद हो जाएगी, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले नाइट्रस एसिड की हम प्रिपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। अब पहले प्रिपरेशन में डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, देखें डाई नाइट्रोजन N2, डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 है। ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन बेटा ट्राई ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, जब उसको पानी में हल किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा? पानी में हल किया जाता है, जो नाइट्रस एसिड बनता है। लेकिन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, H2O में जो हल करते हैं तो वो क्या बनता है बेटा? नाइट्रस एसिड। दोबारा देखिए, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, क्या बेटा? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व होगा तो नाइट्रस एसिड बन जाए। ठीक, एक इसकी प्रिपरेशन ये है। दूसरी इसकी प्रिपरेशन जो है, इन दो तरीके हैं इसको प्रिपेयर करने के। एक है बेटा ये बेरियम नाइट्राइड, कौन सा? बेरियम नाइट्राइड NO2। अब देखिए, ये भी आइस कोल्ड होना चाहिए, ये बर्फ की ठंडा बर्फ बर्फ जैसा होना चाहिए बेरियम नाइट्राइड भी, और साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी, ये भी आइस कोल्ड होना चाहिए। समझ आ गई बात? यानी ये भी आइस कोल्ड होना चाहिए, ये भी आइस कोल्ड, यानी ठंडा बर्फ की तरह होना चाहिए, ठंडा बर्फ वाले पानी की तरह आइस कोल्ड होना चाहिए। बेरियम नाइट्राइड भी और कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड भी। क्या होना चाहिए बेटा? ये भी आइस कोल्ड होना चाहिए, ये भी आइस कोल्ड होना चाहिए। इससे बेरियम सल्फेट बनेगा, साथ हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या हासिल हुआ? नाइट्रस एसिड हासिल हुआ, HNO2 हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ? HNO2। दो तरीकों से, एक कौन सा है? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड से बेटा हमने निकाला, दूसरा जो हमने किससे निकाला? बेरियम नाइट्राइड से। ये भी अपना आइस कोल्ड होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए? आइस कोल्ड होना चाहिए। इससे हमारे पास क्या हासिल हुआ? ये नाइट्रस एसिड हासिल हुआ। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पहले एक जनरल बात है बेटा, ये हमेशा आमतौर पर साल्ट की सूरत में पाया जाता है या डाइल्यूट सॉल्यूशन की सूरत में स्टेबल होता है। साल्ट की सूरत में या किसकी सूरत में? डाइल्यूट, यानी इसको जाना जो जाता है ना, वो साल्ट की सूरत में जाना जाता है, यानी साल्ट की सूरत में, या फिर कौन सा होगा? डाइल्यूट। देखिए, नॉन इन द फॉर्म ऑफ साल्ट, ये साल्ट की सूरत में जाना जाता है, यानी ये साल्ट की सूरत में मौजूद होता है, दूसरा स्टेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन की सूरत में स्टेबल होता है, वरना क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्या होता है? फिजा में से नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करके किसी में नाइट्रिक एसिड में तब्दील कर देता है, तब्दील हो जाता है। नाइट्रस एसिड से नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाता है, अनस्टेबल होता है अगर ये दूसरी फॉर्म में होगा, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म की में क्या रहता है? ये स्टेबल फॉर्म में होता है। ठीक, अब दूसरी बात ये होता है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोज हो जाता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, आम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है। देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा, ये नाइट्रस एसिड है, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर आम टेम्परेचर पर नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो गया। किस में तब्दील होगा? नाइट्रिक एसिड में। सा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए, HNO2 है, नाइट्रस एसिड है, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, आम टेम्परेचर पर बेटा ये नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो गया, साथ क्या बनेगा? NO2 बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड में तब्दील हो पैदा होगा। ठीक है, साथ बात, ये पहला उसका है डीकम्पोजिशन है, ये डीकम्पोज हो जाता है। क्या होता है बेटा? डीकम्पोज हो जाता है। ठीक, दूसरा होता है एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना पहले भी हमने, जो खुद एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, वो उसकी अपनी रिडक्शन हो रही होगी, उसकी अपनी क्या हो रही होगी? रिडक्शन। दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन करता है, वो दूसरों की क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, और अपनी क्या होगी? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की याद होगी आप लोगों को, तारीख में पता होगा, देखिए याद होगा, रिमूवल ऑफ कौन सा था बेटा? ये हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल आप कौन सा था, इलेक्ट्रॉन था, और इसी तरह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, कौन सा था ना, ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने ऐड करना है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन की तारीफ की याद होगा। अब ये देखिए यहां पर क्या होगा, रिमूवल हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको आयोडीन में तब्दील कर देगा, यहां पर देखिए यह क्या करेगा, यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड है आयोडीन बना देगा, यदि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ इसकी क्या हुई ऑक्सीडेशन हुई, इसकी क्या हुई ऑक्सीडेशन, इस तरह SO2 है SO4 में चेंज कर देगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर SNCl2 है SNCl4 बन जाएगा, यानी ये देखिए ये कैसे बनेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये देखिए SN जो होता है ये प्लस 2 होता है, ये इसके साथ Cl के साथ माइनस 1 होता है, तो ये क्या बनता है SNCl2 बनता है, इसी तरह SN प्लस 4 होता है स्टेनस, ये स्टेनस होता है, ये स्टेनिक होता है, ये देखिए ये Cl के साथ रिएक्शन करता है तो SNCl4 बनता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां से उसने इसने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए थे, इसने क्या किया चार इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है ऑक्सीडेशन होती है, इसकी भी क्या होगी हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में तब्दील कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में तब्दील कर दिया, स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में तब्दील कर दिया, यहां पर इसकी क्या हुई, यानी ये HNO2 जो है कौन सी चीज बन रहा है, यहां पर HNO2 जो है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या कर रहा है काम कर रहा है, ठीक। इसके बाद आगे हम इसके रिएक्शन के बारे में देखते हैं। अच्छा बेटा देखिए अब वो किस तरह हुआ, एचएन नाइट्रस एसिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, कौन चीज है हाइड्रोजन आयोडाइड, अब देखिए इसने यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, एचएनओ2 है देखिए NO2 में तब्दील हो गया NO में हो गया, अपनी इसकी रिडक्शन हो गई है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, यहां से आयोडाइड को उसने आयोडीन में तब्दील कर दिया, ठीक। यानी ये सारे थे हमारे पास एज ए इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा था बेटा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन सी का है HNO2 है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, देखिए अब ये खुद हुआ HNO2 है, इसने एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा किया, यानी हम रिएक्शन देखें किस तरीके से इसने यहां पर क्या पैदा किया एटॉमिक ऑक्सीजन, देखिए यही एटॉमिक ऑक्सीजन जो है बेटा ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा वाटर की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में वाटर की मौजूदगी में, किसके साथ रिएक्शन किया इसने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, बात समझा कि पहला उसने क्या किया हाइड्रोजन आयोडाइड मिक्सो उसने आयोडीन निकाला, यानी उसने अपनी इसकी इसने क्या किया इसकी अपना वो ऑक्सीडेशन की है और अपनी इसकी क्या हो गया रिडक्शन हो गई। अब देखिए यहां पर क्या इसने एटॉमिक क्या किया एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा किया एटॉमिक ऑक्सीजन ने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हमारे पास H2SO4 बन रहा है, बात समझ आ गई। अब इसकी उसने क्या कर दी ऑक्सीडेशन कर दिया इसकी, यानी इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दिया इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन हो गई, बात समझ आ गई बेटा। अच्छा अब देखिए इसी तरह हमारे पास स्टेनस क्लोराइड है SNCl2 है ये सल्फ्यूरिक अपना इसकी मौजूदगी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में HNO2 ने क्या किया इसको भी स्टेनस क्लोराइड को देखिए इसने स्टेनिक क्लोराइड में चेंज कर दिया यानी SNCl2 को SNCl4 में चेंज कर दिया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और अपना देखिए उसकी अपनी क्या हो गई रिडक्शन हो गई है यहां से इसकी ऑक्सीजन निकल गई, बात समझ आ गई। यही HNO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड में से उसने आयोडीन को निकाल दिया, इसी तरह एच ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर दिया, इसी तरह स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में चेंज कर दिया, यानी इन सारों की किसकी एच आई की बेटा और एसओ टू की और एस एन सी आर टू की इनकी ऑक्सीडेशन हुई है और बता दो खुद मौसूफ की एच एन ओ टू की क्या हुई है रिडक्शन हुई है, बात समझ आ गई। अच्छा अब देखिए इसका और ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है, पहले एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर था, अब कौन सा होगा बेटा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी ये क्या करता है काम करता है, ये KMnO4 को डीक्लोराइज कर देता है उसका नाम खत्म कर देता है KMnO4, ठीक है जिसको लाल दवाई भी कहते हैं ये, और ब्रोमीन वाटर का भी है ब्रोमीन वाटर इनका भी कलर को डिस्चार्ज कर देता है, देखिए कैसे ये KMnO4 है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड एसिडिफाइड, कौन सा था एसिडिफाइड, यहां पर आप बेशक KMn एसिडिफाइड भी लिख दें एसिडिफाइड KMnO4 यानी ऐसा KMnO4
जिसके साथ तेजाब मिला हुआ होता है, एसिड मिला हुआ होता है, ये देखिए या एसिडिफाइड KNO4 बन गया। अब ये नाइट्रस एसिड है, इसने क्या किया, देखिए K कहलाया सल्फेट बना के, पोटेशियम कहलाया बना के K2SO4 बन गया, देखिए इसका अलायदा बन गया और MN का अलायदा बन गया MnSO4 बन गया, साथ अपनी जो है वो क्या हो गई है, देखिए इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो गई है, इसकी अपनी क्या हो गई, हालांकि ये खुद किसके तौर पर रिड्यूसिंग है, इनकी रिडक्शन की है, इनकी क्या की, इसकी रिडक्शन की और अपनी ऑक्सीडेशन हो गया, HNO3 में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया HNO3, यानी ये खुद एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर दूसरों की रिडक्शन कर रहे हैं और इसकी अपनी क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब देखिए इसी तरह ब्रोमीन वाटर है, Br2 है, ये हमारे पास ये ब्रोमीन को इसने ब्रोमाइड में चेंज कर दिया, उसका कलर खत्म कर दिया, बात समझ आ गई। अब देखिए खुद क्या था, HNO2 था और HNO3 में तब्दील हुई, यानी अपनी इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी क्या कर रही है, उसने रिडक्शन कर दी है, बात समझ आ गई। ये हमारे पास था, यानी ये एज ऑफ कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट था, पहले हमने पढ़ा कौन सा पढ़ा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और अब क्या पढ़ा, एज रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके अलावा देखिए ये एसिड है, नाइट्रस एसिड नाम इसके लिखा हुआ है, इसके साथ ही एसिड अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कली हम हर टॉपिक में पढ़ते हैं, कौन वो बेस जो पानी में हल हो जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, अल्कली कहते हैं, ठीक। अब ये क्या करेगा, अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो साथ है, जब ये बेस है ये एसिड है इसके साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा, देखिए हमारे पास सोडियम नाइट्राइड बनेगा, नाइट्रेट नहीं है, NO3 नहीं है, NO2 है, सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइड बनेगा और साथ क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, ये नहीं ये साल्ट और वाटर बनेगा, ये देखिए ये एज बेस है और ये क्या बेटा एसिड है, एसिड के तौर पर रिएक्ट किया, यहां पर क्या बनेगा बेटा, साल्ट हो गया और साथ वाटर हो गया, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ, समझ आ गई बात की, ये हमारे पास अल्कली के साथ। इसके अलावा जो नाइट्रस एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें इमाइन ग्रुप मौजूद होता है, NH2 ग्रुप मौजूद होता है, बेंजल इमाइन हो गया या उसको इमाइनो बेंजीन भी आप कह सकते हैं, उसके साथ रिएक्ट करता है, यूरिया हो गया, यूरिया के साथ रिएक्शन करता है, यानी जिसके जिसके पास इमाइनो ग्रुप मौजूद होगा उसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी तरह आप उसके प्रोटीन के कोई मॉलिक्यूल होते हैं, अब देखिए यहां पर हमारे पास है HNO2 है, ये किसके साथ, यूरिया है, CONH2S, अब यू भी कहीं कहीं लिखा हुआ होगा, NH2 है बेटा, आगे CO है और NH2 है, ये भी वही बात है, बात समझ आ गई, इसको यू लिख दो या यू लिख दो, ये भी वही यूरिया का फार्मूला है, यू हो या यू हो, CONH2S होगा या NH2CO, आगे NH2 आ जाएगा, एक ही बात है। ये देखिए नाइट्रस एसिड है, किसके साथ रिएक्शन किया, तो यूरिया के साथ, लेकिन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सी चीज है बेटा, नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, बात समझा गया, यानी जिस जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए ये हमारे पास था HNO2 था, यहां पर किसके में, इमाइनो इमाइनो बेंजीन के साथ इसने रिएक्शन किया, किसके साथ, इमाइनो बेंजीन होगा, याद होगा आप लोगों ने पढ़ा था, ये हमारे पास है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बेंजीन है, यहाँ पर NH2 लगा दोगे ये इमाइनो बेंजीन बन जाएगी, ये इसके साथ भी रिएक्शन करता है, किसके साथ, इमाइनो बेंजीन के साथ है, इमाइनो बेंजीन के साथ नाइट्रस एसिड रिएक्ट करेगा तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनोल है, आपने इसको पढ़ा था, ये देखें यहाँ पर ये मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये OH है, ये फिनोल बनाता है, साथ नाइट्रोजन गैस भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है बेटा। ये हमारा कौन सा टॉपिक, दोबारा देखिए, ये नाइट्रेट एसिड के साथ अपना सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिन वो जे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें इमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, NH2 ग्रुप मौजूद होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, हमारे पास नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, यानी देखिए मैं ओवरऑल आपको व्यू दे रहा हूं, किसके साथ इसका रिएक्शन था, एज ए देखिए बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है, आपने इसी तरह इस चीज को ध्यान में रखना है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है, ये अल्कली के साथ भी रिएक्शन करता है, किसके साथ, अल्कली के साथ भी रिएक्शन करता है और किसके साथ रिएक्शन करता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करता है और इस बेचारे की अपनी भी डिकम्पोजिशन हो जाती है, यानी देखिए एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन आयोडाइड की मिसाल देनी है, SO2 की याद रखनी है, ठीक, उनकी जो है वो ऑक्सीडेशन करता है, इसी तरह एज ए रिड्यूसिंग होगा, एज ए रिड्यूसिंग आप KNO4 का अपना ज़हन में रखना है कि KNO4 को डिक्लोराइड कर देता है, बात समझ आ गई ना, दूसरा ब्रोमीन वाटर के साथ होगा, इसी तरह अल्कली है वो आपको पता है NaOH के साथ रिएक्शन होगा, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप लोगों ने याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया के साथ रिएक्शन याद रखें और
अपना इमाइनोबेंजीन के साथ रिएक्शन याद रखेंगे। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ आप इसका एक स्केच बना देंगे कि जेन के अंदर जाना कि फला फला चीज के साथ इसके रिएक्शन है, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।